दोस्तों कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करने किसी ना किसी रूप में दौड़े चले आते हैं, क्योंकि पुराणों में कहा गया है जो भक्त सच्ची श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा पाठ करता है तो स्वयं हनुमान जी उसके रक्षक बनकर साथ चलते हैं। खुद मृत्यु के देवता भी हनुमान भक्तों का बाल भी बाका नहीं कर सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव के रहने वाले अजय मिश्रा जी के साथ, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे स्वयं वानर के रूप में हनुमान जी ने मेरी जान बचाई। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर कैसे स्वयं वानर सेना ने अजय के प्राणों की रक्षा की। दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले अजय जी बताते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ और मैं निस्वार्थ हनुमान जी की पूजा करता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज तक मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। अजय जी बताते हैं कि आश्चर्य की बात तो यह है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हनुमान जी मेरी भक्ति का फल ऐसे देंगे। दोस्तों बात उस समय की है जब अजय अपने दोस्तों के साथ गिर वन के टूर पर गए हुए थे। अजय जी बताते हैं कि मैंने और मेरे दोस्तों ने गिर वन के बारे में बहुत कुछ सुना था। गिर वन का नजारा देखने लायक होता है, इसी नजारे का आनंद लेने के लिए हम लोगों ने गिर वन जाने का प्लान किया। गिर वन गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इस वन में एशियाटिक शेर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस वन में जंगली बिल्ली, भालू, नीलगाय, चिंकारा और जंगली सुअर भी होते हैं। फिर क्या, बिना कुछ सोचे समझे अजय और उनके दोस्त गिरवन के टूर पर निकल गए। गिरवन में घुसते ही अजय और उनके दोस्त सब अलग अलग हो गए। जैसे जैसे अजय आगे बढ़ रहा था तो उसे तरह तरह के जानवर दिख रहे थे। उस समय अजय को एक वानर सेना दिखाई दी, जिसे देखकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि अजय हनुमान जी का एक बहुत बड़ा भक्त था तो इसलिए उन्हें वानरों से बहुत लगाव था। परंतु अजय को क्या पता था कि गिर वन जितना सुंदर और अद्भुत है उतना खतरनाक भी। दोस्तों अजय उस समय उन वानरों को देख ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर एक जंगली सुअर पर गई। वो सुअर अजय की तरफ ही आ रहा था। ऐसा लगा जैसे वो अजय पर हमला करने वाला है। उसे देख अजय भागने लगता है। अजय जी बताते हैं कि तभी वो जंगली सुअर तेजी से झपट्टा मारकर मुझे घायल कर देता है। मेरी सांसें फूलने लगती हैं, पर उतनी ही देर में मैंने देखा कि वही वानरों की सेना भी मेरी तरफ आ रही होती है। उन्हें देख मुझे लगा कि आज मैं तो नहीं बच पाऊंगा। अजय जी बताते हैं कि मेरे शरीर में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं उठ खड़ा होकर भाग सकूं, और मेरे दोस्त भी बहुत दूर जा चुके थे। अजय की मदद के लिए वहां कोई नहीं था। अजय उसी समय अपनी आंखें बंद कर बस जोर जोर से यही चिल्ला रहे थे कि हनुमान जी मेरी मदद करो, हनुमान जी मेरी मदद करो। जब कुछ देर बाद अजय अपनी आंखें खोलता है तो यह देख दंग रह गया कि जो वानर सेना उनकी तरफ आ रही थी वो तो अजय को चारों तरफ से घेर कर आपस में खेल रहे होते हैं, और वो जंगली सुअर भी वहां नहीं थे। कुछ ही देर बाद वो वानर की सेना भी वहां से चली जाती है। दोस्तों अजय वहीं बैठा थोड़ी देर आराम करता है और देखता है कि उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। अजय जी बताते हैं कि मेरे दोस्त मेरी ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर मुझे वो वहां से वापस कोई सेफ जगह लेकर जाते हैं और मेरी घटना सुन वो भी बहुत भावुक हो जाते हैं। दोस्तों अजय जी बताते हैं कि उस दिन मुझे कुछ समय के लिए ये लगा था कि वो वानर की सेना मुझ पर हमला करने आ रही है, पर यह बाद में समझ आया कि उस दिन स्वयं हनुमान जी ने मेरी मदद के लिए उन वानरों की सेना भेजी थी, जिसे देख वो जंगली सुअर भी भाग गए। उस दिन अगर हनुमान जी ने उन वानरों की सेना को मेरी मदद के लिए ना भेजा होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अजय के साथ हनुमान जी का ही चमत्कार हुआ था? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे खूब लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।